बारहवें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि अर्जुन ने कहा था प्रथम श्लोक में, एवं सतत युक्ता ये युक्ता स्वाम परिपाषते ये जाप अक्षरम अत्यंत शाम के योग वित्तमाह। और फिर भगवान ने उसके उत्तर में कहा था कि दोनों प्रकार से, चाहे निर्गुण निराकार की साधना, निराकार की साधना करो, साकार की साधना करो, दोनों प्रकार से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, परंतु यदि निराकार की साधना है वह अधिक क्लेष्टर है। और इसीलिए भगवान ने उसे कहा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्निश्च मन्त्राः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां मां समुद्रता मृत संसार सागरा भवामि निचिरात् पार्थ मय्या वेषित चेतसा। हे पार्थ, जो लोग समस्त कर्मों को मुझमें समर्पण, मुझमें निष्ठा युक्त होकर एक निष्ठ योग के द्वारा भक्ति से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे अर्जुन, मुझमें समर्पित चित मनुष्य का मृत्युमय संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला मैं हो जाऊं। यह मानो भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार का प्रॉमिस, एक प्रकार का वचन देते हैं कि मैं मृत्यु रूपी जो महासागर है, मृत्यु रूपी संसार सागर है, उससे जो आवागमन का चक्कर है, यह जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, यह जो भगवान आदि शंकराचार्य ने जिस प्रकार से कहा, यह आवागमन का जो चक्कर चलता रहता है, कर्मों के अनुसार पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है, यह जो आवागमन के चक्कर से मैं मुक्त करा देता हूँ। किनको? जो लोग इस प्रकार से समस्त कर्मों को मुझमें सौंप कर, मुझमें निष्ठापूर्वक होकर एक निष्ठ योग के द्वारा भक्ति से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते, यह मानो एक ईश्वर की तरफ से हमें एक MOU हो गया, साइन हो गया, मान लो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यदि तुम इतना करोगे तो हमारी तरफ से तुमको मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दूंगा, मृत्यु रूपी संसार सागर से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, बारंबार जन्म लेकर के बारंबार मृत्यु जो होती है, इन सब चक्कर से तुमको मैं निकाल दूंगा। बशर्ते MOU में कहा गया है हमें क्या करना पड़ेगा, समस्त कर्मों को ईश्वर में सौंप कर निष्ठायुक्त होकर एक निष्ठ योग के द्वारा भक्ति से उनकी उपासना करनी होगी, तो बस हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति योग का इतना बड़ा महात्म्य बताते हैं, और इसीलिए भक्ति योग के संबंध में श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, शरीर मन वाणी से ईश्वर का भजन करने का नाम भक्ति है, शरीर अर्थात हाथ से उनकी पूजा और सेवा, पैरों से उनके स्थान में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना, कानों से उनका भागवत तथा नाम गुण कीर्तन सुनना, चक्षुओं से उनकी मूर्ति का दर्शन करना, मन से उनका ध्यान करना तथा उनकी लीला का स्मरण मनन करना, वाक्य से उनके स्तव स्तुति तथा नाम गुण कीर्तन आदि करना, इस प्रकार से सभी इंद्रियों को यदि हम लगा देते हैं ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन करने में, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन सुनने में, ईश्वर के नाम गुण कीर्तन बोलने में, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रॉमिस देते हैं, वे मानो वचन देते हैं कि हाँ यदि ऐसा करो तो तुमको मृत्यु संसार से मैं पार करा दूंगा। और इसीलिए कहा, क्या कहा, मई एवं मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवशिष्यसि मई एवं अत ऊर्ध्वं न संशय, बिल्कुल संशय मत रखो, तुम मुझ में ही मन को यदि स्थापित करोगे, मुझ में ही तुम्हारी बुद्धि को निविष्ट करोगे, इससे अनंत अनंत शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश करोगे, इसमें संदेह नहीं है, नो डाउट, अनडाउटेडली, निसंदेह, बिल्कुल संदेह मत रखो, अवश्य तुम संसार से पार हो जाओगे, मृत्यु से पार हो जाओगे, शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश करोगे, ईश्वर के साथ मिलन हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से ईश्वर में मन लगा करके, उसमें बुद्धि लगा करके उनकी उपासना करते, ये भक्ति योग का इस सबसे बड़ा ये महात्मा यही है
अत्यंत सरल उपाय। ना ये कहा गया कि भाई तुमको इतना छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के सिर को नीचे उकर के, सिर को नीचे रख करके, पैर को ऊपर रख करके शीर्षासन करना पड़ेगा, इतने योगासन करने पड़ेंगे, इतना यह त्याग करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, अत्यंत सरल ये भक्ति हो। फिर इतना कहा मेरे में मन लगाओ, मेरा मेरे मेरी भक्ति करो, बस तुम मेरे में आ जाओगे, बस मृत्यु से तुमको पार करा दूंगा। बहुत बड़ी बात है, यह भक्ति योग का महात्म्य। इसीलिए इस अध्याय का नाम ही भक्ति योग रखा गया। भक्ति की इसमें महात्म्य, भक्ति की महिमा है, भक्ति का महात्म्य। तो कहते हैं तुम मुझ में ही मन को स्थापित करो, मुझ में बुद्धि को निविष्ट करो, इसके अनंत शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश करोगे, इसमें संदेह नहीं है, सब संदेह छोड़ दो। इतना बोलने के बाद भी संदेह छोड़ दो, बार बार भगवान बार बार बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन का चेहरा देख करके समझ जाते हैं अभी भी इसको संदेह है, इसलिए बोलते संदेह मत करो, मैं जरूर से निसंदेह तुमको मृत्यु से पार करा देगा। उसके बावजूद भी अर्जुन के चेहरे में चमक नहीं आती है, तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं बात क्या है। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी चापुं धनंजय। बोले भगवान बोल तो नहीं पा रहा, अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, पर भगवान तो अंतर्यामी समझ गए उसका चेहरा देख करके। बोले आपने कहा कि सबसे मेरा ध्यान कर, ध्यान में मन लगता ही नहीं, मन इधर उधर भटकता रहता है, पर वो बोल नहीं पा रहा है। इतना सरल उपाय बता दिया है कि मेरे में मन को लगा, मेरे में मन मेरा ध्यान कर, बस मैं तुझे पार करा दूंगा। तुमने तो 2 सेंटेंस में बता दिया, पर हम बैठते हैं तो इधर उधर के बहुत विचार आते हैं, भगवान के सिवा बाकी सब विचार आते हैं, भगवान का विचार कभी नहीं आता। और खास करके भगवान का ध्यान जब नहीं करते तब तो कभी कभी आ भी हो सकता है आ जाए, भगवान का ध्यान करते समय तो इधर उधर ही भटकता है। तो ये अर्जुन की जो अंदर की बात सीक्रेट, यह जो उसकी प्राइवेट बात, उसकी जो व्यक्तिगत जो समस्या है, ये अर्जुन की समस्या जो है हम सबकी समस्या है। बोल नहीं पा रहा अर्जुन, क्योंकि सरल बता दिया फिर भी वो बोल नहीं पा रहा, भगवान समझ जाए अंतराम। इसलिए क्या कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी चापुं धनंजय। धनंजय हे अर्जुन, अथ यदि मई मन मुझ में चित्तम मन को स्थिरम स्थिर समाधातुं समाहित रखने में एकाग्र रखने में न शक्नोषि, यदि समर्थ नहीं है तो क्या करो, ततः तब अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा मां मुझको आप तुम पाने में इच्छा इच्छा या प्रयत्न करो। तो कह कोई बात नहीं, चिंता नहीं, ध्यान में मन नहीं लगता है ना, मेरा जब ध्यान करते मन भटकता है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। यदि ऐसा होता है तो मैं दूसरा उपाय बताता हूं, क्या, यदि मुझमें मन को स्थिर न रख सकते हो, यदि मन स्थिर नहीं रहता है मेरे में, जब तुम भगवान का नाम लेते हो, मेरा नाम लेते हो, स्थिर नहीं रहता है, कोई चिंता मत करो, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की चेष्टा करो। अब ये अभ्यास योग क्या है, तो अभ्यास योग है, अभ्यास योग होता है, अभ्यास माने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी कोई गेम प्लेयर है उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार नेट प्रैक्टिस करता है, क्रिकेट टेस्ट प्लेयर ऐसे नहीं बन जाता, कई दिनों तक नेट प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के रणजी ट्रॉफी के बाद दुलीप ट्रॉफी, फिर बाद में टेस्ट क्रिकेटर बनता है। तो कोई भी चीज़ में हो, चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार तो उसको कैलकुलेशन ठीक करना पड़ता है। वो कोई भी क्षेत्र हो, संगीत वाला प्रैक्टिस करना पड़ता है, रियाज के बिना कोई महान संगीतज्ञ नहीं बन सकता। बड़े बड़े जितने संगीतज्ञ हैं उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे इतने अच्छे संगीतज्ञ, अच्छा लगता है, उनको पूछो 12-12 घंटा रियाज करते हैं, ऐसे ही उनको सफलता नहीं मिली। तो ये है अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन में होने वाली बात नहीं है,
तो क्या है, यदि तू मुझ में स्थित को चित्त को स्थिर न रख सको, उस विक्षिप्तपन को विश्व से बार बार लाकर लौटा करके अभ्यास योग के अवलंब से मुझे पाने की चेष्टा करो। तो आचार्य शंकर इसके बारे में कॉमेंट्री में लिखते हैं, अन्य सभी विषयों से मन को लौटा लाकर किसी एक वस्तु को से बार बार संस्थापित करने का नाम अभ्यास है। वैसे उसको प्रत्याहार कहा गया पतंजलि योग सूत्र में, जो अष्टांग योग की बात है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये प्रत्याहार माने वही अभ्यास है। उसकी टेक्निकल लैंग्वेज यदि हम कहें योग की भाषा में, पतंजलि योग की भाषा में, वो है वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रतिहार। बारंबार मन भटकता है, पकड़ करके उसको लाए, फिर भटका ही लग गया, फिर उसको पकड़ करके यहाँ लाए, फिर गया उधर पकड़ करके लाए, इसका नाम प्रत्याहार। ये योग की टेक्निकल लैंग्वेज में, और उसी को यहाँ पर भगवद गीता में अभ्यास कहा है। तो अन्य सभी विषयों को से मन को लौटा कर लाकर कि एक किसी एक वस्तु को से बार बार संस्थापित करने का नाम अभ्यास है। ये आदि शंकराचार्य अपनी कॉमेंट्री में लिखते हैं, आत्मा में उस प्रकार के अभ्यास को अभ्यास योग कहते हैं। तो उस प्रकार के अभ्यासों की सहायता से ईश्वर प्राप्ति संभव है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यह मानो भगवान श्री कृष्ण ने दिलासा देते हैं, एक कंसोलेशन देते हैं कि चिंता मत करो, यदि मेरे में मन नहीं लगता है ध्यान के समय, ध्यान करने बैठते हो भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, ऐसे कई लोग आकर के बोलते हैं भाई प्राइवेट बात बोलनी क्या थी, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ भगवान का ध्यान होता ही नहीं है, इधर के बहुत उपटांग कई विचार ऐसे आते हैं जो कभी नहीं आते थे वो भी उसी समय आते हैं, ये प्राइवेट बात कई लोग बोलते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई इसमें प्राइवेट कुछ नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, सभी लोग यही बात मुझे बोलते हैं। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं, तो चिंता मत कर, तेरी बात मैं समझ गया, तू बोल से बोलना नहीं चाहता कि ये सीक्रेट बात, पर मैं तेरी सीक्रेट बात समझ गया, ये तेरी प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि चित्त भगवान में समर्पित नहीं होता है, ध्यान में मन लगता नहीं, मन ध्यान में लगता नहीं, भटकता है, यही प्रॉब्लम है ना। बोला हाँ, तो अभ्यास योग कर, जैसे ही गया उड़ करके कहीं न्यू यॉर्क गया पकड़ करके, नहीं नहीं अभी भगवान का ध्यान है, फिर गया लंदन गया फिर पकड़ के ध्यान, मन बोलो नहीं अभी ध्यान का समय भगवान का ध्यान है, फिर उड़ करके क्या पकड़ करके लाओ, जाता है लाओ, जाता है लाओ, इसका नाम है अभ्यास। तो कहते हैं इस अभ्यास के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा, फिर भी अर्जुन का वही चेहरा तो वही का वही रहा। तो श्री कृष्ण जैसा ऑप्शन आते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन कोई भी पेपर में आजकल, वो लड़के लोग बोलते भी हमको ये परीक्षा बहुत कठिन लगती है, बोले ठीक है चार में से कोई भी एक का प्रश्न होगा, ये नहीं होता है तो ये ऑप्शन, वो नहीं तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, बहुत सारे ऑप्शन है। तो भगवान ने कहा तो ये भी नहीं, एक और ऑप्शन देता हूँ, एक और अल्टरनेटिव, एक और तुम जो उपाय बता, इससे भी नहीं हो रहा है, इसमें भी तेरा प्रॉब्लम लग रहा है, अभ्यास योग करने में भी तुझे समस्या आ रही है, चल और सरल बता क्या। अभ्यास के समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदस्तमपि कर्माणि कुर्वन सिद्धि मवाप्सति। यदि अभ्यास अपि अभ्यास में भी तुम असमर्थ असमर्थ असी हो, यदि तुम अपने आप को असमर्थ समझते हो, मैं असमर्थ हूं, मत कर्म परम मेरे लिए कर्मनिष्ठ भव हो, मत कर्म परम भव मेरे लिए कर्मनिष्ठ हो, मदर्थम मद अर्थम मेरी प्रीति के लिए कर्माणि कर्म कुर्वन अपि करने से भी सिद्धि सिद्धि अर्थात मोक्ष अवाप्सी प्राप्त कर सकोगे। और सरल बना दिया, पहले काम इस पर ध्यान करो, मेरा भजन करो, ये करो, बहुत कठिन लग रहा है तो अभ्यास योग करो, बारंबार प्रैक्टिस करो, बारंबार जाता है फिर से लाओ, वो भी कठिन लग रहा है, एक और सरल उपाय बताए क्या। अभ्यास में भी यदि तुम असमर्थ मानते हो अपने आप को, तो मेरी प्रीति के लिए पूजा पाठ श्रवण कीर्तन आदि कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि मेरी प्रीति के लिए कर्मों को करते रहने से चित्त शुद्ध होकर तुम मोक्ष लाभ कर सकोगे। ये और भी सरल बना दिया,
क्या है कि जो इतना काम तो तुम कर सकते हो, वो काम मेरे प्रेम के लिए करो, उसी से हो जाएगा। अभी तुम दूसरे किसी के प्रेम के लिए करते हो, मेरे प्रेम के लिए करो। जो कुछ भी करते हो मेरे प्रेम के लिए करो, भगवान के प्रेम के लिए मैं कर रहा हूं, भगवान के प्रेम के लिए कर रहा हूं, ऐसा सोचो। और जो कुछ भी काम करते हो मेरे प्रेम के लिए करो, चाहे वो पूजा पाठ हो, नाम कीर्तन हो, अर्चना हो, मेरी प्रीत्यर्थ करो, मेरे प्रेम के लिए करो, तो ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। यदि ध्यान कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हो अभ्यास योग करो। अभ्यास योग भी कठिन लगता है, तो ऐसा करो जो कुछ काम करो मेरी प्रीति के लिए करो, मेरे प्रेम के लिए करो, उसी से तुम्हारा हो जाएगा। फिर भी अर्जुन का चेहरा ऐसे ही है, ऐसा है, इतना सरल बना दिया, फिर भी अर्जुन को कोई उसके चेहरे पर कोई झलक नहीं दी। पर भगवान इतने करुणावन है, इतने करुणामय है, और एक ऑप्शन देते हैं, ये भी तुमको कठिन लगता है, ये भी नहीं होगा तुमसे, कोई बात नहीं, और एक ऑप्शन। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरियतात्म। अथ और यदि एतदपि यह भी कर्तुं करने में अशक्तः असमर्थ हो तथा तो यत आत्मवान सर्व संयत्य होकर मद योगम मुझमें सत्कर्म अर्पण रूप योग का आश्रित आश्रय करके सर्व कर्म फल त्यागम सारे कर्मों का फल त्याग गुरु करो। और ये सरल बना दिया। यदि यह भी करने में असमर्थ हो, अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो, तो क्या करो, संयत के लिए होकर सब कर्म अर्पण रूप योग का आश्रय करके सारे कर्मों का फल त्याग करो। हे प्रभु, जो कुछ भी कर्म मैं करता हूं प्रभु तुम्हारे लिए करता हूं, और उसका फल, कर्मों का फल तो होगा ही, सभी कर्मों का फल होगा, तो ये जो कुछ भी कर्मों का फल होगा वो भी भगवान को अर्पण करो। मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान तुमको अर्पण। मैंने किसी की सेवा की, भगवान तुमको अर्पण। मैंने किसी को हेल्प किया, भगवान तुमको अर्पण। उसका फल और कर्म और कर्म का फल दोनों भगवान को अर्पण करो। तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और सुगम करने, भगवान क्या कहते हैं, यदि व्रत पूजा आदि कर्म करने में समर्थ न हो तो मेरे शरणापन्न होकर सभी कर्मों का फल मुझ में अर्पण करो। इस ढंग से फलाशक्ति छोड़कर कर्मानुष्ठान करने से भी मेरी कृपा पाकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि और भी सरल बना दिया कि और कुछ नहीं कर सकते तो सब कर्मों का फल बस मुझे समर्पित कर दो, बस सब कर्मों का फल मुझे समर्पित कर दो, सब जो कुछ भी करता मैं प्रीति के लिए करता हूं, शरणागत हो जाओ। इतना सरल उपाय बता दिया। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे, उनको पूछा गया, महाराज ये तो बड़ा कठिन लगता है, साधना बड़ी कठिन लगती, कर्म योग भी बड़ा कठिन है, भक्ति योग भी बड़ा कठिन है, तो ये सब तो होता नहीं है और टाइम भी मिलता नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल हमारी जो हो गई बहुत फास्ट लाइफ हो गई, समय नहीं है, बहुत सभी लोगों को बहुत काम करना पड़ता है आजीविका के लिए, इतने दूर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, फिर आओ रात को आके थक जाते हैं। तो ये आपने कहा सुबह शाम इस प्रकार से ध्यान करो, भजन करो, टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है। ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, सभी लोगों का ट्रम्प कार्ड, टाइम नहीं है। तो महाराज ने फिर कहा ठीक है चलो सैंडविच साधना करो। तो सैंडविच साधना क्या है, सैंडविच है ये, सैंडविच जो लोग बनाते हैं जानते हैं कि पहले एक पाव रोटी का टुकड़ा लेते हैं, ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसके ऊपर में कुछ मसाला डालते हैं, चाहे चीज़ हो, चाहे बटर हो, मक्खन हो, चीज़ हो, या फिर कुछ चटनी हो, चाहे गोभी हो, सलाद हो, कुछ भी एक मसाला डालते हैं, उसके ऊपर में फिर एक और ब्रेड का टुकड़ा डाल देते हैं,
सैंडविच तैयार हो गया। उसी प्रकार से सुबह उठ करके, हे प्रभु आज सारे दिन मैं जो कुछ भी काम करूंगा वो तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित, कर भी तुमको समर्पित। फिर सारे दिन ये पाव ब्रेड का एक टुकड़ा हो गया, फिर सारे दिन में काम का मसाला डालते रहो, गए वहाँ गए, ये काम किया, वो काम किया, वो किया, हजारों काम किए। रात को सोते समय, हे प्रभु आज सारे दिन में जो कुछ भी काम किए वो सब काम तुमको समर्पित और कर्मों का फल भी तुमको समर्पित। ये ब्रेड का दूसरा टुकड़ा हो गया, बीच में मसाला है काम का, ये है सैंडविच साधन। इससे सरल और कुछ नहीं बनाया जा सकता। आप इससे सरल कुछ नहीं, इतना ही बड़ा करना है, दो टाइम प्रार्थना करना है, सुबह उठ करके प्रार्थना, प्रभु सारे दिन का जो कुछ काम है वो तुमको समर्पित किया, उसका फल तुमको समर्पित किया, और अभी रात को सोते समय, हे प्रभु आज सारे दिन में जो कुछ किया वो भी कर्म तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये भी नहीं होगा तब तो बड़ा कठिन। गिरीश चंद्र घोष, ये रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने ही सबसे पहले यह शुरू किया। श्री रामकृष्ण अवतार हैं ऐसा कहना शुरू किया। नहीं तो लोग मानते थे काली के पुजारी हैं, माँ काली की पुजारी, और सच में तो पुजारी थे, 5 रुपये महीने का पगार था, साल में दो धोती मिलते थे एक्स्ट्रा, बस यही तो उनका, बाहर से देखो तो यही तो उनका ये है, उनका इंट्रोडक्शन ही, बायोडाटा लिखा जाएगा तो बोले दक्षिणेश्वर काली के पुजारी, महीने में 5 रुपया महीने का सैलरी है और साल में दो उनको धोती एक्स्ट्रा मिलता है, ये उनका TA जो कुछ भी समझो, बस यही तो बायोडाटा, बाहर से तो यही तो लोग यही समझते थे, ये पुजारी है, ये है, वो है। ज़्यादा ज़्यादा लोग बोलते कि नहीं हाँ भाई अच्छा आदमी है, कोई बोलते ये आधा पागल है, बोलते कुल पागल है, तो ऐसा अलग अलग टाइटल उनके थे, पागल बामन, ये मेजर टाइटल उनका यही था, मेन टाइटल पागल बामन, पागल ब्राह्मण, यही सब समझते थे। ज़्यादा ज़्यादा बोलते थे नहीं अच्छा आदमी, चलो भगवान का पुजारी, भगवान का भक्त, ईश्वर के साक्षात अवतार हैं ये कोई समझ नहीं पाया। ये गिरीश चंद्र घोष रामचंद्र दत्त ने सबसे पहले शुरू किया। स्वामी विवेकानंद उसको मानते नहीं थे, बाद में उनको भी मानना पड़ा, बाद में उन्होंने ही उनको अवतार वरिष्ठ लिखा, ये अलग बात है। पर ये गिरीश चंद्र घोष, इनकी श्रद्धा बहुत है, पर ये श्रद्धा ऐसे नहीं बनी, उसके लिए उनको बहुत अनुभव से पार होना पड़ा था, तब जाकर के वो श्रद्धा बनी थी। तो गिरीश घोष वो कहा करते थे कि यदि आपको श्री रामकृष्ण की महिमा समझनी है तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना। अरे स्वामी विवेकानंद इतने महान हैं, इनके गुरु कितने महान होंगे, उससे आपको श्री रामकृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं होगा। श्री रामकृष्ण की महिमा जाननी हो तो मेरी ओर देखो, गिरीश की ओर देखो। ये गिरीश जो कि ऐसा पतित था, ऐसे पतित को संत में परिवर्तित कर दिया, ये है श्री रामकृष्ण की महिमा। अरे स्वामी विवेकानंद तो एक अच्छे घर के लड़के थे, नरेंद्रनाथ दत्त हाईकोर्ट के वकील, विश्वनाथ दत्त के लड़के, अच्छे घर के लड़के, संस्कारी कुटुंब परिवार के लड़के, पढ़े लिखे, ऐसे नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद में परिवर्तित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेरे समान पतित उसमें से संत कर लेना, परिवर्तित कर लेना संत के रूप में, ये कमाल है स्वामी श्री रामकृष्ण का, ये उनकी महिमा है। बोलते थे ऐसा एक भी खराब काम दुनिया का नहीं है जो मैंने रख छोड़ा हो, सब कर दिया, सब कर दिया, जितने प्रकार के दूषित कर्म हम सोच सकते हैं, बोलते सभी दूषित कर्म मैंने कर डाले, जितने पाप हो सकते थे वो सब कर डाले, कोई बाकी नहीं रखा, और शराब की बोतल जो मैंने पी है एक के ऊपर रखोगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। कवि थे, बंगाल के कवि थे, सुप्रसिद्ध कवि का थे, नाटककार थे, तो अपनी कवि की भाषा में बोलते थे,
बोले यदि एक के ऊपर एक बॉटल रखोगे तो माउंट एवरेस्ट से चले जाएगी, इतनी तो बॉटल मैंने शराब की है। और फिर भी ऐसे शराबी को, ऐसे बदमाश को, ऐसे पतित को, ऐसे दुष्ट को संत में परिवर्तित कर दिया। सचमुच में आखिरी दिनों में शराब भी उन्होंने छोड़ दिया, कभी श्री रामचंद्र ने कहा पर अपने आप ही छोड़ दिया, संत हो गए, भगवान का नाम लेते उन्होंने शरीर त्याग किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। तो इसलिए गिरीश वो कहा करते थे, यदि श्री रामकृष्ण की महिमा जाननी हो तो मेरी ओर देखना, स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना। ये गिरीश चंद्र घोष एक बार श्री रामकृष्ण को बोलते हैं कि मेरा क्या कुछ उद्धार नहीं होगा, सबका तो उद्धार किया। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे लिए भी कुछ बोलिए। ठीक है ऐसा करो, माँ का नाम ले लिया करो, जगदम्बा का नाम ले लिया करो, गुणगान कीर्तन करो, जैसा भी भगवान श्री कृष्ण बताया ना, माँ का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लो, बस उसी से हो जाएगा। देखा गिरीश घोष के चेहरे पर, देखा अभी भी असमंजस में है। गिरीश घोष सोचते हैं गुरुदेव ने इतना सरल बना दिया, पर मैं प्रॉमिस नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी मेरी झंझटें हैं, अब कैसे ये सब करूँगा, इतना सरल बना दिया भक्ति योग मेरे को बता दिया। श्री रामकृष्ण का चेहरा समझ कर, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का चेहरा समझ करके बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, ऐसे गिरीश घोष ने कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप कहते, पर श्री रामकृष्ण देव उसका चेहरा देख करके दूसरा ऑप्शन देते हैं, कोई बात नहीं ऐसा करो दिन में दो बार भगवान का नाम ले लेना, उसी से तेरा हो जाएगा, इतना सरल बने खाते समय और सोते समय, बस ये दो बार भगवान का नाम लेना, उसी से तेरा हो जाएगा, जा इतना सरल बना दिया। ठीक है ये तो होगा, फिर भी गिरीश घोष हाँ नहीं बोल पा रहे। वो सोचते हैं मेरा तो जो जीवन है ऐसा जीवन है, ड्रामा लिखता हूँ, कभी नाटक कंपनी में जाता हूँ, थिएटर में जाता हूँ, कभी कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट केस रहता तो कभी दोपहर का खाना होता ही नहीं, कोर्ट में जाता हूँ कब पेशी होगी कब कुछ नहीं, इतने सारे कोर्ट केस हैं, फिर वहाँ जाऊँगा नाटकशाला में जाऊँगा, इधर हो जाऊँ उधर, कभी रात को किसके कहाँ पर कौन से खराब जगह पर रहूँगा तो सोने का ठिकाना नहीं, खाना खाऊँगा कि नहीं, खाना कहाँ खाऊँगा, कब खाऊँगा ठिकाना नहीं, और यदि उस समय खाते समय सोते समय यदि मैं भूल गया तो अपराध हो जाएगा। अब ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इतना कम किया है कि मैं ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ और हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं दे पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उसका चेहरा देख करके समझ गए, अभी भी असमंजस में, बोले इतना भी नहीं कर पाएगा तो फिर ऐसा कर, तू मुझे वकालतनामा दे दे, वकालतनामा दे दे, बकलमा दे दे, बंगला में बकलमा बोलते हैं, हिंदी में वकालतनामा देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। जब कोई कोर्ट में केस होता है तब हम तो लड़ नहीं सकते, हमको आर्ग्यूमेंट पता नहीं, वो क्या जूरी समझे, जज क्या पूछेगा, सामने वाला वकील क्या जिरा करेगा, हमको कैसे पता, तो हम वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी, वो हमारे बदले लड़ता है कोर्ट में, तो वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, मेरे बदले वही सब बोलेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा, वकील से वकालतनामा, तो वकालतनामा। तो श्री राम कहते हैं तू मुझे वकालतनामा दे दे, मैं तेरे बदले जप करूंगा, तेरे बदले मैं ही जप करूंगा, तेरे बदले मैं ही ध्यान करूंगा, तेरे बदले मैं ही भगवान का नाम लूंगा, सब मैं करूंगा, जा और जो कुछ भी तू काम करेगा, खराब काम करेगा, उसका पाप भी मैं ही भोगूंगा, जा सब मैं, तू मुझे बस वकालतनामा दे दे, तेरे बदले मैं सब करूंगा, और जो कुछ भी तू करेगा, खराब काम करेगा, उसका फल भी मैं ही भोगूंगा, तुझे नहीं भोगना। गिरीश घोष तो खुश हो गया, अरे वाह इतना बढ़िया अच्छा गुरु मिल गया भाई, बस जाओ वकालतनामा दिया, खुश होकर के वकालतनामा दे दिया, बस अभी मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ये सराबरा छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, वो जो कुछ भी करता तो कर, उसका फल मैं भोगूंगा, तुझे कुछ नहीं करना। अरे यार तो बढ़िया अच्छा गुरु मिल गया भाई, बहुत खुश हो गए, एकदम खुश हो गए, चलो अच्छा गुरु मिल गया, वकालतनामा दे दिया। अब वकालतनामा देने के बाद कुछ दिनों के बाद बोल रहे थे, मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार का एक ड्रामा लिखूंगा, अरे
तुझे वकालत नामा ने तो मुझे दिया, तो ये सोच कैसे सकता कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। बोल कि भगवान कराएंगे तो मैं करूंगा। तूने तो सब सौंप दिया है, तेरा कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान का है। तो ये बोल कि मैं करूंगा ऐसे सोच दे, यदि भगवान कराएंगे तो मैं ऐसा प्रकार का ड्रामा देखूं, ऐसा बोल। उन्होंने कान पकड़ ली बात को, ठीक है मेरा तब तक कुछ है नहीं, मैंने सब सौंप दिया है, अपना अहंकार भी सौंप दिया, मैंने अपना सब सौंप दिया। फिर बाद में गिरीश बोलते, अरे मैं तो बुरा फंसा, मैं सोचता था यार ये अच्छा गुरु मिला तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया तो मैं छूट गया, अब मैं जितना खराब काम करूंगा फल वो भोगेंगे और मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे बदले वो जब ध्यान करेंगे, मेरे बदले वही साधना करेंगे, हमको मजा करो। पर ये तो कहां से, वो तो उसमें बोला था केवल दो बार भगवान का नाम लो, अब तो हर एक क्षण मुझे भगवान का नाम लो। अरे ये कर रहा हूं तो उसमें भगवान की इच्छा है या नहीं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, मैंने भगवान को सब सौंप दिया है तो भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। ये तो हर क्षण मुझे भगवान का ध्यान करना पड़े तो और बुरे फंसे। लड़का बहुत बड़ी उम्र में एक बच्चा पैदा हुआ, कितने खुश हुए, वो 1.5 साल में मर गया और रो नहीं पा रहे, क्यों? उनकी इच्छा से संतान हुआ, उनकी इच्छा से मर गया। रोने से तो ऐसा लगता है कि मानो हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, क्यों? भगवान ने ले लिया, रोने का भी मुझे अधिकार नहीं है। बोले यार ये तो बड़ा पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके बुरे फंसे। परंतु यह श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष का बकलमा लिया, वो अलग बात है, उनकी श्रद्धा इस प्रकार से थी। पर यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के लिए कितना सरल बना देते हैं, कुछ नहीं केवल मेरा नाम ले और कुछ नहीं करना, वो भी नहीं कर सकता, मेरे में श्रद्धा रख करके ये कर, वो भी नहीं कर सकता, टाइम नहीं है तेरे को, दो टाइम मेरा नाम लेने का भी तुझे टाइम नहीं, जा जो कुछ भी काम करता है मेरे प्रेम के लिए कर, वही काम ही मुझे दे दे, उसका फल मुझे दे दे, जा जो तू काम करता है ऑफिस में जाता है वो भी मुझे दे दे उसका फल, तू दूसरी जगह बिजनेस करता है बिजनेस का फल मुझे दे दे, प्रेम पूर्वक वो भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव होकर के काम कर, मेरा प्रतिनिधि बनकर के काम कर, एक्स्ट्रा तुझे कुछ नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुझे रोज 2 घंटा मंदिर में आकर के यहाँ जब जान जग करना पड़ेगा, ये कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, सब में से तुझे मुक्त कर दिया, तू जो कर रहा है वही कर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो करता है उसी को मुझे सौंप दे, चल उसी से हो जाएगा, इतना सरल बना दिया। तो इसलिए कहते हैं कि मय्येव मन आदस मयि बुद्धि निवेश निवशिष्य मय्येव अत उद्वम न संशय अथ चित्तम समाघातम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तो मामिच्छात्रं धनंजय अभ्यास कर समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदतमपि कर्माणि कुर्वन्ति मामक्षसि अभी तदप्यासक्तोसि कर्तुम उद्योगम आश्रित सर्व कर्म परत्यागम तथा गुरुयतात्मा। 4 ऑप्शन दिया, ऐसा नहीं कर सकता ऐसा कर, ऐसा नहीं करता ऐसा कर, ऐसा नहीं करता ये कर, वो भी नहीं हो सकता चलिए कर। अत्यंत करुणामय है ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कितना सरल उपाय बताते हैं कि मन में ही मन को स्थापित करो, मन में बुद्धि को निवेश करो, इसके अंदर शरीर छोड़ने पर मुझ में ही प्रवेश कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं है। और यदि मुझे मन को स्थिर नहीं रख सकते हो तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की चेष्टा करो, अभ्यास के लिए तुम असमर्थ हो तो मेरी प्रीति के लिए पूजा पाठ श्रवण कीर्तन आदि कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि मेरी प्रीति के लिए कर्मों को करते रहने से चित्त शुद्धि होकर तुम मोक्ष लाभ कर सकोगे। और यदि ये भी करने में असमर्थ हो तो संयत चेतन होकर सब कर्म अर्पण करो, योग का आश्रय करके सारे कर्मों का फल त्याग कर दो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इतना सब सरल बता दिया है ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत सरल योग, ये भक्ति योग जिसमें हमें, इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण बारंबार करते थे कलयुग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, नारदीय भक्ति, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो कर्मयोग, पहले के जो कर्मयोग थे यज्ञ वगैरह करने की, न तो हमारे पास उतनी संपत्ति है, न उस प्रकार के घोड़े हैं दान करने के लिए, न गाय दान करने के लिए गाय है, न उतना घी है, न उतना ये हवन करने के लिए उतनी सामग्री है, न हमारे पास उतनी संपत्ति है कि हम कर्मयोग का या याग यज्ञ का हम पालन कर सके, न हम
न हमारा मन एकाग्र है, मन हमारा बड़ा चंचल है, न हम राजयोग के द्वारा ध्यान योग के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग इसलिए संभव है क्योंकि हमारा मन देहात्म बुद्धि है, अन्नगत प्राण है, मन शरीर में जाता है, आत्मा की ओर जाता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान योग भी जब कठिन है तब सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग, ये भी एक योग है। योग का मतलब होता है ईश्वर से मिलना। अभी आजकल जो योग दिया जाता है वो तो योग चार में से एक भी योग नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चारों ओर ये इंटरनेट योगा डे मनाया जाए तो सभी लोग योगी बन गए। वो योग और ये योग अलग है। ये योग का मतलब ईश्वर के साथ मिलन योग होना। ये ईश्वर के साथ मिलन के चार उपाय हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। वो है योग नहीं, योगा, योगासन। वो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया, पहले एक्सपोर्ट किया, बाद में फिर से इम्पोर्ट किया। तो ये इम्पोर्टेड योगा, ये योग नहीं है। उसमें तो केवल योगासन करना है और शरीर को स्वस्थ रखना है, ब्लड प्रेशर ऊंचा कम करना है, खराब नहीं है। पर योग का मतलब होता है ईश्वर के साथ मिलन, मृत्यु से पार हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाना, मुक्ति प्राप्त करना, हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, हमेशा सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्ति, यह ईश्वर के साथ मिलन, ये है योग। और ये योग के लिए चार प्रकार के योग बताए गए, ध्यान, ज्ञान, कर्म और ये चौथा भक्ति। ये भक्ति योग के द्वारा कर्म भी कर्मयोग बन जाएगा, डबल फायदा है। कर्म तो कर्मयोग बन जाएगा, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। भक्तियों में दो चीजें कही है, एक तो भक्तियों का मतलब होता है भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, गुणगान करना, पूजा पाठ करना, उसका समय नहीं है। तो और सरल भक्ति योग बताया, जो कुछ भी काम करते हो उसी को मुझे समर्पित करो, इतनी बढ़िया बात। तो क्या होता है वो कर्म कर्मयोग बन जाएगा। जो कुछ भी काम हम भगवान की प्रीति के लिए करेंगे और उसका फल समर्पित कर देंगे भगवान को, तो ये कर्म कर्मयोग बन जाएंगे। और क्योंकि ईश्वर को समर्पित हमने किया है, वो फल समर्पित किया, यदि हम एक बेदाना देते हैं, एक केला देते हैं, ये फल जब भगवान को समर्पित करते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा केला, अच्छा से अच्छा फल हम समर्पित करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान को फल समर्पित करते हैं, कर्म का फल, तो कर्म भी हमें अच्छा करना पड़ेगा और अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा, उत्कृष्ट प्रकार से करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया योग कर्म से कौशलम, द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा था, कुशलता पूर्वक जो किया गया वो कर्म भगवान को समर्पित होगा। कुशलता पूर्वक कर्म, इफिशियंटली करना पड़ेगा, स्वच्छता पूर्वक करना पड़ेगा, एकाग्रता पूर्वक करना पड़ेगा, वही काम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। जो काम, जो कार्य इस प्रकार से निष्ठापूर्वक, स्वच्छतापूर्वक, शुद्धतापूर्वक और बुद्धिपूर्वक इस प्रकार से जो किया गया है, अच्छा कर्म है, वही जो उत्कृष्ट कर्म है, उत्कृष्ट प्रकार से किया गया है, वो कार्य हम ईश्वर को समर्पित करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यदि हम नहीं कर सकते हैं, सारे दिन रात हम सारे दिन भक्ति नहीं कर सकते हैं, सारे दिन हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, न 56 भोग लगा सकते हैं, उतना पैसा भी हमारे पास नहीं, कोई बात, तुम जो काम कर रहे हो उसी को समर्पित कर दो भगवान को, प्रीति के पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो वो काम भी पूजा बन जाएगा और ये भक्ति तुम्हें भगवान के पास ले जाएगी। इस प्रकार से अत्यंत सरल हमें बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे, आज यही कर समाप्त।